नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि आप अपना अपस्टॉक्स का DPID, डीमैट अकाउंट नंबर, या DPID या कस्टमर आईडी या BOID सब एक ही है, वो कैसे पता कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो सबसे पहले आप क्या करें, गूगल पे अपस्टॉक्स लॉगिन टाइप करके एंटर कर दें। उसका ये जो आपको दिख रहा है pro.upstocks.com, इस पे आप क्लिक कर दें। तो दोस्तों, इसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड पुट करना है, और आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे आप फॉरगेट यूजर आईडी पे क्लिक करके यूजर आईडी गेट कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो मेरे पास है दोनों, तो मैं यहाँ पे पुट करके अपना लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड पुट कर दिया है, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 4 डिजिट का आपको ईयर ऑफ बर्थ पूछेगा, वो आप पुट कर दें। तो देखिए, आपका ये जो अपस्टॉक्स है वो लॉगिन हो गया है। यहाँ पे आप पोजीशन देख सकते हैं, इंट्राडे में ट्रेड देख सकते हैं, होल्डिंग देख सकते हैं, कितना होल्डिंग है आपके पास अभी। तो मुझे DPID जानना है, तो वो कैसे जानते हैं, यहाँ पे आप देखिए आपका नाम के नीचे अपस्टॉक्स का कस्टमर आईडी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा आपका नाम है, उस नेम के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, आपका कृष्णमूर्ति के नीचे अपस्टॉक्स का कस्टमर आईडी है, आपका ईमेल आईडी है, आपका फोन नंबर है, डिपॉजिटरी नेम आपसे पूछा जाएगा आपका कौन सा डिपॉजिटरी नेम है, तो CDSL है, अपस्टॉक्स जो है वो CDSL यूज करता है, तो किसी किसी का NSDL भी होता है, तो आप वो देख लेंगे। डीमेट अकाउंट नंबर जो है IPO, अगर आप IPO लेते हैं कहीं और से, तो आपको ये DPID डालना है, ठीक है, आपको ये DPID यूज करना है IPO के लिए भी अपस्टॉक्स के। तो यहाँ पे आप देखें 1208100, ये जो आपका 4 डिजिट का है वो CDSL का नंबर है। उसके बाद जो बाकी आपका 8 डिजिट का नंबर है वो आपका क्लाइंट आईडी है, DP क्लाइंट आईडी है। तो ये आप मेंशन कर दें हर जगह, आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप IPO के अलॉटमेंट के लिए जाते हैं, आपको पूरा नंबर मेंशन करना पड़ेगा, 1208100, उसके बाद जो आपका नंबर है, क्लाइंट आईडी है आपका, वो पूरा मेंशन करना पड़ेगा। तो आप ये नंबर नोट कर लें, आपको फ्यूचर में यूज होगा IPO एप्लीकेशन के लिए भी, या फिर आप सेल्स ट्रांसफर कराते हैं किसी और से आप स्टॉक्स में, तो भी आपको इस नंबर की जो है वो जरूरत होगी। अगर आपको CDSL में जाके ऑनलाइन आपको अपना होल्डिंग चेक करना है, तो ये आप ये डीमैट नंबर डालेंगे पूरा 16 डिजिट का, उसके बाद वहाँ पे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड सेट कर लें, उसके आप होल्डिंग डीमैट में भी देख सकते हैं अपने CDSL में। तो दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप ओपन कर सकते हैं, मुश्किल से 10 मिनट टाइम लगेगा आपको। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें नए नए वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।